नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। उत्तर प्रदेश चुनावी मौसम में रंगा हुआ है। ऐसे में जहां एक तरफ नेताओं के बीच जुबानी जंग चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अजब चुनाव के गजब रंग भी देखने को मिल रहे हैं। आज ऐसी ही एक अतरंगी सी तस्वीर तब देखने को मिली जब यूपी सरकार के खेलकूद राज्य मंत्री और फेफना विधानसभा से बीजेपी के कैंडिडेट उपेंद्र तिवारी दौड़ते हुए नामांकन पत्र दाखिल करने पहुंचे। चश्मदीदों के मुताबिक तिवारी जिला मुख्यालय के कलेक्ट्रेट परिसर में जब नामांकन पत्र दाखिल करने पहुंचे तो नामांकन करने में केवल 3 मिनट का वक्त ही बचा था। उन्होंने बताया कि कम समय होने के कारण तिवारी को मेन गेट से नामांकन कक्ष तक दौड़ लगानी पड़ी। मंत्री जी की यह दौड़ देखकर आसपास मौजूद लोग भी हैरान रह गए। उत्तर प्रदेश के खेलकूद राज्य मंत्री उपेंद्र तिवारी को बीजेपी ने जिले की फेफना विधानसभा सीट से उम्मीदवार घोषित किया है। तिवारी 2017 और 2012 में भी इसी निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा चुनाव जीते थे। तो हमारी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। यूपी चुनाव के ऐसे ही अनोखे रंग देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ रूम पोस्ट। नमस्कार।